अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक दुखद घटना सामने आई है। विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर कंपनी में स्टायरिंग गैस लीकेज होने से 8 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम आपको गैस लीकेज के बाद की वीडियो दिखा रहे हैं जो बेहद दिल दहला देने वाली है। आर वेंकटपुरम में उस वक्त हाहाकार मच गया जब इस एलजी पॉलीमर कंपनी के प्लांट से स्टायरिन नामक जहरीली गैस लीकेज हो गई। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ, लोग सोए हुए थे। इस जहरीले गैस लीकेज के बाद लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उनका दम घुटने लगा। उसके बाद लोग सड़कों पर निकल पड़े। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बेहोश होकर गिर रहे हैं। इस गैस लीकेज से लगभग 5000 लोग प्रभावित हुए हैं और 5 किलोमीटर का इलाका भी इस गैस लीकेज से प्रभावित हुआ है। गैस लीकेज की खबर मिलते ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लग गई। हम आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल है। 800 के लगभग लोगों का इलाज चल रहा है और 5000 इसके चपेट में है। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच चल रही है और घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है जो इस हादसे की जांच कर रही है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।